हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सबका आरवीडी लव व्लॉग्स में। तो देखिए जी, आज है दिन मंगलवार और मैं जो है वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम से। अभी मुझे लगता है कि तकरीबन शाम के जो हैं 4:30 या 5 बज रहे होंगे और मैंने जो अपना सारा काम जो है ख़त्म कर लिया है, घर का भी और बुटीक का भी। अभी मैंने नीचे जाना है लेकिन बुटीक का काम करने के लिए, और तो मैंने सोचा पहले जो है व्लॉग शुरू कर लेते हैं और आप सब से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ। और मैंने अभी जो है कपड़े वगैरह चेंज किए नीचे से आकर, क्योंकि 2-4 दिन से मैंने जैसे पिछले व्लॉग में बताया था आपको कि ठंड थी और मौसम जो है ठंडा था, लेकिन आज जो है इतनी मतलब कि धूप निकली हुई है ना, पूरी शदीद किस्म की आप कह सकते हैं कि धूप निकली हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन जैसे घर के अंदर हैं तो थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, लेकिन अगर बाहर धूप में जाएं तो काफ़ी जो है धूप महसूस होती है और मतलब गर्मी लगती है। लेकिन वैसे अगर लगाया जाए कि एसी वगैरह बंद हो गए हैं, मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, पंखे से भी मतलब कि ठीक लगता है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती एसी लगाने की। तो अभी मैं भी सिंपल पंखा लगा कर ही बैठी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ठंडा सा लग रहा है। और बाहर अभी दिन में तो धूप थी, लेकिन अभी जो है बादल हो गए हैं, शायद रात में बारिश होगी, बाकी पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर नेट पे चेक करें तो बारिश बताई होती है लेकिन होती नहीं है, कई बार बताई भी नहीं होती, धूप बताई होती है, पूरा सनी डे बताया होता है लेकिन बारिश हो जाती है। तो बंदा क्या करे, भरोसा कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो अभी जो है मैंने नीचे जाना है कटिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा कि जैसे यहाँ पर 20 तारीख से श्राद्ध शुरू होने वाले, जैसे मतलब जिदा असीं पंजाबी विच कहने हैं कि साढ़े इतने श्राद्ध आने वाले, वैसे अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में या उर्दू में अगर कहें तो बोलते हैं कि पितृपक्ष जैसे होता है कि वो लगने वाला है, और 20 तारीख से लेकर 6 तारीख तक श्राद्ध होंगे, और 7 तारीख को फर्स्ट नवरात्रा होगा, और 14 तारीख को शायद जो है दशहरा है, और दशहरे के बाद फिर करवा चौथ, होली, दिवाली फिर आएंगे और सारे त्यौहार जो है ऐसे ही निकल जाएंगे। तो उनकी तैयारियां हैं, और हमारे में ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध में जो है कोई भी शुभ काम जो है वो नहीं किया जाता। तो जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ तो मेरे पास कपड़े सिलने के लिए आते हैं, तो कपड़े जो होते हैं किसी की शादी के हैं, शगुन के काम के ही हैं वो भी कपड़े, तो लोग मानते हैं कि श्राद्ध में उनकी जो है आप कटिंग मत कीजिएगा। हालांकि पहले जो है सिलाई भी नहीं करने देते थे पहले के टाइम में, लेकिन अब टाइम के चेंज होने के साथ सबका माइंड जो है चेंज हो गया है, तो लोग अब ऐसा नहीं मानते कुछ भी कि ऐसा कटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं या सिलाई नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के अभी भी माइंड जैसे सेट होते हैं पहले के, तो उनका माइंड सेट है कि आप जो है श्राद्ध में हमारे कपड़े नहीं सिलिएगा ना ही कट कीजिएगा। तो मेरे पर जो है बर्डन ज़्यादा है, आज जैसे कि 14 तारीख है तो 20 तारीख से पहले पहले मुझे उनके कपड़े जो है रेडी करके देने हैं, तो इस वजह से मेरे पर भी बर्डन ज़्यादा आ गया है। लेकिन जैसे वैसे नॉर्मल दिनों में मैं अपना जो है काम को नॉर्मली लेकर चलती हूँ, इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता, लेकिन जब फिर ज़्यादा काम इकट्ठा ही आ जाता है तो फिर थोड़ा सा बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि अब श्राद्ध में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, उनके पहले करने पड़ेंगे। हाँ, श्राद्ध में उन लोगों के कर दूँगी जिनको ऐसा कुछ, जिनका मतलब कोई वहम वगैरह नहीं करते हैं, उनका तो हो जाएगा। तो अभी मुझे, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी और फिर मैं जो है 5:30 या 6 बजे जो है नीचे चली जाऊँगी, तो 7, 7:30, 8 बजे तक जो है कटिंग कर लूँगी। फिर जिनको जिनकी कटिंग की होगी फिर सिलाई तो उनकी आसानी है, बस सुबह जाकर मशीन पर बैठेंगे और सिलाई जो है फिर शुरू कर देंगे। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे और देखती हूँ, मतलब अभी थोड़ा टाइम रेस्ट करती हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, और आप बताइएगा कि आपको मेरे जो है व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मैं ऐसे ही आगे भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, और ऐसे ही आप अपना जो है प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। आगे आगे आपके लिए बहुत ही मैं
इंटरेस्टिंग से ब्लॉग लेके आने वाली हूँ, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं। त्यौहार के साथ हम घर को भी सजाएंगे और DIYs भी करेंगे और थोड़ा सा अपना खर्चा भी बचाएंगे और देखेंगे कि घर पर पड़ी चीज़ों से ही हम घर को कैसे सुंदर बना सकते हैं। और अगर आप कुछ सिलाई की टिप्स वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं सिलाई के बारे में भी आपको बता दूंगी। तो चलिए जी, फिर मैं आया नीचे, जब जाऊंगी तो आपको लेके चलूंगी और आपको दिखाऊंगी कि जो है मैं कैसे कटिंग वगैरह कैसे करती हूँ अपनी सिलाई की, तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और हाँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि श्राद्ध से पहले शुभ काम करना ज़रूरी होता है, या श्राद्ध में भी आप लोग कर लेते हैं। तो चलिए जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जी, अब मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आकर मैंने सब जो कपड़े आए हुए थे जिनकी मतलब कि मैंने कटिंग करनी है आज, उनकी मैंने की चेकिंग कि मतलब कि किसी कपड़े में कुछ खराबी ना हो। और सबसे पहले कपड़े को मैं चेक ही करती हूँ, क्योंकि अगर कटिंग करने से पहले कपड़ा चेक कर लिया जाए तो हम कस्टमर को बता भी सकते हैं कि कपड़ा आपका ख़राब है, अगर आपने चेंज करवाना है तो चेंज कर ले, क्योंकि कई बार बीच में कहीं से कटा हुआ होता है, कहीं से जो है थोड़ा सा फटा हुआ भी हो तो हम जो है पहले चेक करने से बता सकते हैं। तो मैंने चेक करके, तो लाइनिंग वाइनिंग जिनको मैंने चेक कर लिया था, उनकी लाइनिंग जो नीचे इनर लगाना होता है वो मैंने वॉश कर लिया था, वो अब सूख चुका है। तो सब चीज़ों को मैं तह लगा कर साइड पे रख लूँगी और बारी बारी से जो है सबकी कटिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं सब पहले जो है उठा लूँगी और फिर जो है मैं कटिंग करनी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे जो है अपना काउंटर भी बिल्कुल साफ़ चाहिए कटिंग करने के लिए, क्योंकि अच्छी तरह से कपड़े को बिछा कर कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फिर जो है कटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, और सबसे पहले जो है मैंने सिंपल सूट की कटिंग की है जिनके नीचे लाइनिंग वगैरह नहीं लगनी थी उनकी, और बाद में फिर मैंने लाइनिंग वाले सूटों की कटिंग की थी। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो चलिए जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट और लाइक करना भी ना भूलिएगा। बाय बाय, खुश रहें, खुश रखिए।